नमस्कार, डीएम 24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं से ही नहीं आप लोगों से भी जुड़ा हुआ है। मुद्दा ये है कि पीएम मोदी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने बयान दिया है, कहीं रैली वैली में गए हैं, उन्होंने बयान दिया वहाँ पर। अब रैली कहीं उद्घाटन होता रहता है, उसी में उन्होंने बयान दिया है कि 8 सालों में हमारे मुल्क में हर हफ्ते 1 विश्वविद्यालय और 2 कॉलेज खुले हैं। गौर कीजिएगा, पीएम मोदी का कहना है कि 8 सालों में हर हफ्ते 1 विश्वविद्यालय और 2 कॉलेज खुले हैं। इसका मतलब 8 सालों में अगर टोटल करेंगे तो होगा विश्वविद्यालय 432 होंगे और जो कॉलेज होंगे वो 864 होंगे। मतलब क्या इतने कॉलेज खुले हैं क्या? गौर कीजिएगा, मुझे तो कुछ अटपटा लग रहा है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, युवाओं से बात करते हैं। क्या लगता है? क्यों भाई, क्या लगता है आपको, क्या खुले होंगे? अब पता नहीं सर, हवाई बातें हैं। अब देखिए, जानकारी तो नहीं हो पा रही कितने कॉलेज। युवा हैं, कॉलेज से संबंध है आप लोग का, क्या लगा? हवाई बातें हैं केवल ये सब। तो बस एक कॉलेज वही नालंदा वाला सुने थे कि उसका रिपेयर और उसका मतलब यूनिवर्सिटी थोड़ी सही होगी, बस बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा हम लोग को ना न्यूज़ में। जय जय हो रही है, सब लोग जय जय करते हैं। कहने से नहीं होता ना, दिखने से भी होता है आदमी को। पीएम मोदी की तरह मास्क लगाए हैं, क्या बात है, लगाइए। हाँ नहीं, बिल्कुल जमीनी स्तर करते करते 1-2 साल 1.5 साल हो रहा है, कहाँ वैकेंसी ही आई, कहाँ आई। कॉलेज की बात, कॉलेज तो खुल रहे हैं ना? नहीं, कॉलेज तो हो रही है, उसमें कोई सीटें बढ़वा दें, सीटें बढ़वा दें, सीट बढ़वा दें जी। कॉलेज इतने खुलने की बात है, कहीं दिखा आपको कुछ? जमीनी स्तर पे तो अभी तक नहीं दिखा है, हवाई स्तर कागज पे खुल रहा है। कागजों पे तो बहुत कुछ खुल जाता है, नेता लोग की बातें वही है ना, किसी के जमीन स्तर पे काम किया जाए तो माना भी जाए। पीएम मोदी मंच से ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो लगता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता ना। अच्छा, आप लोग की क्या डिमांड है मोदी जी से? विश्वविद्यालय खुलवाने से बढ़िया है कि सीटें बढ़वा दी जाए, यही सबसे बड़ी बात है। कॉलेजों में कॉलेज का जो और बाकी जो एग्ज़ाम शेड्यूल्स हैं उनको थोड़ा उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से हम लोगों के दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे, अभी तक के बीकॉम ऑनर्स वाले, बीबीए, एलएलबी वालों का इन सब की डेट लिस्ट ही नहीं आई है। वहाँ तो नए नए कॉलेज खोल रहे हैं, पुराने पे ध्यान ही नहीं है। फरवरी हो रहा है लेकिन अभी डेट लिस्ट ही नहीं आई है, हम लोगों को पता ही नहीं। और एग्जामिनेशन फॉर्म हम लोग एक बार फिल करके लखनऊ यूनिवर्सिटी में जमा करें, अब समर इंटर्नशिप का उन लोगों ने दिया ही नहीं। अब समर इंटर्नशिप हम लोग ने दोबारा फिल कर फिर जमा किए, अब एग्जामिनेशन हम लोगों को दो दो बार जमा करना पड़ रहा है, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों को यही नहीं पता है कि उनकी डिटेल क्या है, हम लोगों की बी कॉम ऑनर्स वालों की, तो उसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप भी मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलती। स्कॉलरशिप तो आती है, मेरी आई है बट इस बार भी आई है लेकिन बड़ा भाग दौड़ करवाते हैं सर, भाग दौड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा। इस बार भी कम से कम नहीं, 4 बार रिकरेक्शन करके फॉर्म जमा कर चुके हैं, 3 बार एप्लीकेशन लगा के कॉलेज में जमा कर चुके हैं, समाज विभाग कल्याण भी गए थे अभी। इतना करना पड़ा? हाँ, अब उसके बाद अभी भी कोई अभी भी स्टेटस हम लोगों का करेक्ट नहीं हुआ है, हम लोगों ने बैंक से भी सही करा लिया, सब सही करा लिया है, तब भी क्यों, क्या बोलेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हवाई बातें ना करें, जमीनी काम करने की बात करें। हाँ, जो कह रहे हैं उस चीज़ पे डटे रहें, दिखाएं। बताइए, सरकार तो गति युवाओं की सरकार है, युवा उनके साथ हैं, आप बताइए ऐसी बात। बस आप पूछिए तो वही, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, आप जमीनी स्तर पे क्या देख रहे हैं, आप पेपर वर्क वहाँ दिखा दे रहे हैं आपको कैसे इतना कॉलेज बना है, आप दिखाइए ना जमीनी स्तर पे कि कितना बन चुका है, वो दिखाइए। आप हवाई बातें कर रहे हैं, उससे कहने से तो नहीं हो पाता ना। देखा आपने, ये युवा हैं, इनका दर्द आपके सामने आ गया, कहीं कोई यूनिवर्सिटी दिखती नहीं है, कहीं कोई कॉलेज दिखता नहीं, जो पुराने हैं उनकी भी हालत जो है वो पता ही है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग नूतन ठाकुर जी हैं, नाम की मोहताज नहीं, आप सभी जानते होंगे, अमिताभ ठाकुर जी की धन पत्नी हैं, समाज सेविका हैं, उस समाज के लिए काफ़ी करती आई हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि उसी समाज की बात हो रही है। मोदी जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर हफ्ते हमारे यहाँ 2 कॉलेज खुले हैं और 1 विश्वविद्यालय खुला है 8 सालों में। तो इस अनुसार जो आंकड़ा आता है वो 864 का आता है कॉलेज का और 432 का आता है विश्वविद्यालय का। क्या दिखता है क्या ऐसा कुछ खुला है?
देखिए मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी हैं तो उन्होंने जो बातें कही हैं वो माननी है, गलत होने की कोई बात नहीं दिखती है। लेकिन उसी हद तक अगर इतने विश्वविद्यालय खुले हैं तो आज भी जो रोजगार की समस्या है और युवकों की बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि दिखाई धरातल पे तो नहीं दे रहे हैं कि कौन से विश्वविद्यालय हैं और कॉलेजेस खुले हैं और कहाँ खुले हैं। और इसके साथ ही अगर शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया है तो मुझे लगता है रोजगार की दिशा में भी उसी तेज़ी से कार्य करने की ज़रूरत है कि जितने बेरोजगारी बढ़ रही है युवकों में एक असुरक्षा की भावना है वो दूर हो पाए, उन्हें ये महसूस हो कि अगर इतने विश्वविद्यालय खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही तो रोजगार भी मिलेगा, उसकी भी गारंटी हो। थैंक यू। देखा आपने, ये नूतन ठाकुर जी थी, इनका ये कहना है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग कुछ युवा और हैं, आप देख रहे होंगे, पढ़े लिखे अच्छे युवा हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जो कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि हर हफ्ते 2 कॉलेज 1 विश्वविद्यालय खुला 8 सालों में, क्या लग रहा है? नहीं, दिख तो नहीं रहा ऐसा कुछ भी कि मुझे भी नहीं दिख रहा। इतने अगर इस रेशियोज अगर कॉलेज खुले होते या यूनिवर्सिटीज वगैरह खुली होती तो 864 कॉलेज हो जाते हर 432 विश्वविद्यालय हर शहर में। मुझे लग रहा है 5 से 6 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो तो पॉसिबल है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये तो नहीं लग रहा है, ये लग नहीं, बस बयान वो आ गया कहीं से, लगता है उनके पीए हुए आईएएस लोगों ने उनको लिख के, वो अब जो भी हो लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, ये नहीं दिख रहा है। 8 साल में कहाँ दिख रहा है, आप बताओ ना कहाँ दिख रहा है। अच्छा, आप लोग अभी भी कॉलेजों से जुड़े हुए हैं, तो क्या कॉलेजों में और क्या होना चाहिए जो सरकार करे, क्या चीज़ें आप लोग को ऐसी लगी कि और उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए था? मुझे कहते हैं, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग स्टडी को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, थोड़ा बहुत अलग हट के भी करना चाहिए, लाइक जैसे कल्चरल इवेंट्स हो गए कि जिनसे बच्चों को और भी कुछ सीखने को मिले, आगे ग्रो कर सके। कॉलेज में वो सब चीज़ें नहीं है ना, वो सब पढ़ाइयाँ हर जगह हैं। बाकी लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कॉलेजेस ठीक है अभी, हम लोग खुद KKC से पढ़े हुए हैं, तो जो पहले KKC था और जो अब KKC, बहुत फ़र्क है। KKC अब एक अच्छे उस पर है, प्लेटफॉर्म पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नए खुले नहीं कुछ ही खुले तो नहीं क्यों भाई, कुछ खुले विश्वविद्यालय कॉलेज खुले कुछ नए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ खुले, नहीं कुछ खुले, बट हाँ कुछ काम चल रहा है, वर्किंग प्रोग्रेस है वो ठीक है, बट हमें मोर फोकस करना चाहिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक यूनिवर्सिटी से मिल सकता है वो क्वांटिटी पे नहीं मिल सकता, क्योंकि नंबर ऑफ जो बिल्कुल ये हुई बात, ये और कीजिएगा, हाँ जो नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हैं ये हैं, हमें हर किसी पे सेम नहीं मिल सकता, तो वही है मेरा फोकस, ये है कि क्वालिटी इज मोर देन क्वालिटी बढ़ानी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ना चाहिए इंडिया में और हर स्टेट में। अभी कुछ स्टूडेंट मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि सीटें बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, सीटें कम हैं हर चीज़ में, ऐसा कुछ है क्या? सीटें, हाँ सीटें कम हैं इसीलिए कॉम्पिटिटिव नेचर है, सीटें बढ़ेगी तो अच्छा है, बट क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। सीट से अगर सीट बढ़ा रहे हो आप और क्वांटिटी बढ़ा रहे हो बट क्वालिटी बेकार है या कम है, तो उस पर मुझे लगता है कुछ फ़ायदा नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और एक है, इनसे बात करते हैं, क्या बोलेंगे? ये जो मोदी जी ने कहा कि इतने कॉलेज खुल गए हैं, क्या लगता है? हमें भी नहीं लगता इतने कॉलेजेस खुले हैं, क्योंकि हम खुद कॉलेज वगैरह सर्च करते हैं अपने नोन पीपल के, कहीं से भी कोई ऐसा कॉलेज दिखता नहीं है कि भाई जहाँ पे एडमिशन कराया जाए। और नए कॉलेज का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कॉलेज खोलना, मतलब कहीं ना कहीं उन कॉलेज के लिए हमको फैसिलिटीज़ देखनी होती हैं, सुविधा क्या है वो देखनी होती है, कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती हैं। स्पेशली अब अगर यूपी की बात करें तो हमें कहीं वैसा कोई कॉलेज दिखता नहीं है कि भाई जहाँ एडमिशन कराया जाए, और वहाँ के बाद उनकी प्लेसमेंट की दिक्कतें, ना ढंग की कंपनियाँ मिलती हैं, तो ये सारी दिक्कतें यूथ फेस करती हैं। सिर्फ कॉलेज खोलने इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉलेज के साथ फैसिलिटीज़ देना प्लस उनकी प्लेसमेंट का वो करना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो जो मुझे बहुत लगता है कि यूपी में कमी है। यूपी देखा है, ये युवा हैं सीधे तौर पे आपने ये देखा है, तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।